हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्क विथ मास्टर। तो रिसेंट नहीं, पिछले दो साल में आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था, जिससे ग्लोबल मार्केट काफी ज्यादा डाउन हो गया था और इससे हर एक कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ा था और इंडिया पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। और उसके बाद के इजराइल हमास वॉर होने लगा, इजराइल हमास वॉर से भी ग्लोबल काफी इम्पैक्ट पड़ा, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को बेकार करता था। लेकिन इंडिया जो थोड़ा बहुत रास्ते पे था और इंडिया जो राम मंदिर की तैयारी कर रहा था, जहां पे रिसेंट में ही मुंबई का सबसे बड़ा पुल इनॉग्रेट हुआ था और हम 22 तारीख को तैयारी कर ही रहे थे कि हमारे बगल में ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान के दो मिलिटेंट ग्रुप और बेस को उड़ा दिया, जो कि सल उल उद्दी ग्रुप से ऑपरेट करते थे, ये पाकिस्तान से ऑपरेट करता था और वो कहता था कि ये हमेशा हमारे यहाँ लड़ाई करता रहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जो सुपर पावर यूएसए को सीधा धमकी देता है। अगर यूएसए को, अगर आप थोड़ा सा स्टडी किए होंगे तो यूएसए को केवल दो कंट्रीज धमकी दे पाते हैं, जिसमें सबसे पहला नॉर्थ कोरिया है और दूसरा ईरान है। एक देश जो सुपर पावर को धमकी दे सके, वो अपने आप में कितना खतरनाक है, ये आप सोच सकते हैं। और पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान ने जवाब में कहा है कि हम जरूर इसका बदला लेंगे और बदले के साथ हम यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी करेंगे, और ऊपर से ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, तो इसका इंडिया में इम्पैक्ट पड़ सकता है, इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब इंडिया की जियोपॉलिटिक्स, एस जयशंकर और मोदी जी को कोई भी एक ऐसा बेकार कदम नहीं उठाना है जिससे इंडिया को हार्म हो, क्योंकि ये नागासाकी और हिरोशिमा का अटैक है और इस न्यूक्लियर अटैक के बाद ये इतना पीछे चले गए थे कि अभी तक यहाँ पर लोग बेकार पैदा होते हैं। और इसी तरह से करते हैं वीडियो की एंड।